तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे साइंस, ठीक है। साइंस के कितने पार्ट हैं? तीन पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, एंड थर्ड वन इज फिजिक्स, मतलब भौतिक विज्ञान। ये तीनों सब्जेक्ट हम लोग सीरियल वाइज क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे इसमें। अब इसमें आप लोग कोई भी एग्जाम दे सकते हैं, चाहे आप ग्रुप डी दे रहे हो, चाहे आप स्टेट सर्विसेज दे रहे हो, या एसएससी दे रहे हो, लेखपाल दे रहे हो, ये आपके सभी एग्जाम्स में आपको यूजफुल रहेगा। तो इसको बड़े ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बस पढ़ना स्टार्ट करें और साथ में डेली रिवीजन करेंगे, ठीक है। हम लोग आज कहाँ से स्टार्ट करेंगे? टुडे वी विल स्टार्ट विद बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। तो बायोलॉजी है क्या? बायोलॉजी एक दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, इज अ ग्रीक वर्ड विच इज कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड, दैट इज बायोस प्लस लोगोस। ये दो शब्दों से मिलके बना है। बायोस मतलब लिविंग और लोगोस मतलब टू स्टडी। जब हम लोग लिविंग्स की स्टडी करते हैं उसी को क्या बोला जाता है? बायोलॉजी, ठीक है। अभी जो टर्म है बायोलॉजी, ये बायोलॉजी टर्म है, ये कब दिया? ये 1802 में दो बढ़िया महान लोग थे, अब महान ही कहा जाए, किसी का नाम रख दिया गया इन्होंने, लैमार्क एंड ट्रेविरेनस। दो लोगों ने मिलकर 1802 में बायोलॉजी का नामकरण किया, ठीक। देन फादर ऑफ बायोलॉजी, हु इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी? फादर ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज अरस्तू, अरिस्टोटल। अरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। अब इनको क्यों कहा जाता है? ये भाई साहब इतने फुर्सत में थे, इतनी मानता थी इनके पास, इन्होंने 500 जानवरों के बारे में स्टडी की और एक बुक लिखी, दैट इज नोन एज हिस्टोरिया एनिमेलियम या एनिमेलिया। ही रोट अ बुक हिस्टोरिया एनिमेलिया। देन तो ये टर्म किसने दिया बायोलॉजी? लैमार्क एंड ट्रेविरेनस ने। ग्रीक वर्ड है, दैट मीन्स स्टडी ऑफ लिविंग, सजीवों का अध्ययन। ठीक है, अब ये सजीवों का अध्ययन, अब सजीव कौन कौन है? हु आर लिविंग्स? इनके पास लिविंग सेल्स, लिविंग सेल्स हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग लिविंग्स की प्रॉपर्टीज क्या है? एक तो भैया ने बताया सेल्स, और क्या क्या हो सकता है भैया? आप में और इस मार्कर में या इस बोर्ड में क्या डिफरेंस है? सांस ले रहा हो? ये सांस लेगा? नहीं लेगा, रेस्पिरेशन, ठीक है। ठीक है, आप जब पैदा हुए थे कितने बड़े थे? मुश्किल से 1 फुट 1.5 फुट, बहुत अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए तो। इतने ही बड़े रहो, और अब आपकी हाइट क्या है? 5 फुट 6 फुट, और कुछ तो ताड़ के झाड़ हैं, इनकी लंबाई का कोई भरोसा ही नहीं है। तो क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रही है। देन अब आपके बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होती हैं? हाँ। होती है ना भाई, आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आपने तो कार्बोहाइड्रेट्स खाए थे या घास फूस खाया था, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया गया, उस ग्लूकोज से एनर्जी ली गई, ठीक है। और एनर्जी तो रेस्पिरेशन में आती है, और उसको जो तोड़ना है, अब फूड को बड़े बड़े पार्टिकल्स आपने खाए, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा गया, ठीक है, दैट इज नोन एज डाइजेशन।
देन इसके बाद जो आपकी रिएक्शंस है, केमिकल रिएक्शन जो आपकी बॉडी में हो रही हैं, जो आपकी डाइजेशन में हेल्प करती हैं, दैट इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, हाँ, और क्या क्या होगा? आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद जो उससे इंपॉर्टेंट मटेरियल था भाई, केमिकल रिएक्शन हुई, जो जरूरी चीज थी वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन जो वेस्ट होता है वो हम डेली सुबह मोशन के लिए जाते हैं, फ्रेश होते हैं, तो वहां क्या होता है, हम अपना वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। अगर वो वेस्ट मटेरियल हम बॉडी में नहीं निकलेगा तो क्या होगा, हम बीमार हो जाएंगे। अब जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है उनके साथ यही समस्या होती है, पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, मतलब वेस्ट पार्ट उनकी बॉडी के अंदर ही रहता है, वो क्या करता है, पूरी बॉडी को बेकार करता है, हमें बीमार बनाता है। तो दैट मीन्स वी आर ऑल्सो हैविंग एक्सक्रीशन, जिसे हम उत्सर्जन बोलते हैं। ठीक, अब बात पानी पी रहे हो, पानी पीने के बाद पानी से जितना जरूरी मटेरियल था वो आपने ले लिया, बाकी आप क्या यूरिन के फॉर्म में उसको बाहर निकाल देते हो, और क्या होता है, रिप्रोडक्शन, दैट इज प्रजनन। अब आप क्या करते हैं, आप अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग को बनाते हैं, आपके माता पिता क्या ह्यूमन है, और उनसे जो संतान उत्पन्न हुई वो भी ह्यूमन है, आप ह्यूमन है, और आपसे जो संतान होगी वो भी ह्यूमन होगी। अब पेड़ों से जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या बनते हैं, पेड़ बनते हैं। जानवर जब रिप्रोडक्शन करते हैं तो जानवर बनते हैं, घोड़ा घोड़े को जन्म देता है, बंदर बंदर को जन्म देता है, इंसान इंसान को जन्म देता है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन, कैपेसिटी ऑफ टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग ऑफ इटसेल्फ, अपने जैसा ही किसी को बनाना, उसको क्या कहा जाएगा, प्रजनन या रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ओके, और क्या होता है हमारी बॉडी में, सेंसिटिविटी यानी संवेदनशीलता। संवेदनशीलता में क्या है भैया, आपको कमरे में क्या हो जाए, एकदम से गर्मी लगने लगे तो क्या लगता है, गर्म फील हो रहा है, गर्म कहाँ फील होगा, आपकी बॉडी में फील होता है। बदबू आने लगे, आपकी नाक तुरंत काम करने लगती है, आंखें देख रही हैं, कोई आपके बारे में कुछ पीछे से बोल दे, दूसरे की बात सुनाई ना दे, अपनी बात कोई बोल दे, तुरंत कान में चली जाएगी। ये क्या है, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जीभ टन क्या कर रही है, अलग अलग मीठा खट्टा कड़वा सारे टेस्ट वर्ड्स हैं उसमें, तो वो सब कौन बताता है, ये सेंसरी ऑर्गन्स हैं हमारे। ठीक है, और क्या है हमारी बॉडी में, और क्या होता है, अडॉप्टेशन, दैट इज अनुकूलता। अनुकूलता क्या होती है, हम ह्यूमंस हैं, आप यहां खूब भयानक रेगिस्तान में गर्म जगह रहते हो तो भी आप खुद को वहां एडजस्ट कर लेते हो, और कुछ लोग खूब ठंडी जगह पर रह रहे हैं वो भी खुद को एडजस्ट कर लेते हैं, वो तुरंत अपना क्या करेंगे, मोटे मोटे कपड़े भेड़ के ऊन के पहनने लगते हैं, और यहाँ पे आके हाफ पैंट पहने घूम रहे हैं। तो ये क्या है, ये अडॉप्टेशन है, और सबसे बड़ी बात क्या, इन सब की एक लाइफ साइकिल होती है। कोई दिक्कत भाई, हर इंसान जो पैदा हुआ है वो क्या है, उसकी मृत्यु निश्चित है, कोई अमर नहीं है, बस आत्मा अमर है, शरीर नष्ट हो के ही रहेगा। कहते हैं ह्यूमन लाइफ में क्या है, 60 से 65 साल तक एवरेज लाइफ है आजकल। कोई दिक्कत इसमें, कुछ नोट करना है, ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो आप लोगों ने ये सब नोट किया, अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, सेल्स। अब देखो जो सेल्स हैं, सेल थ्योरी दी गई थी 1839 में, स्लाइडन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दी,
और इन्होंने कहा जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने होते हैं. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल. सभी सजीव कोशिका से बने होते हैं. सेल ओके. ऑल लिविंग आर मेड अप ऑफ सेल. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सेल को क्या कहा जाता है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. अब सेल बनता कैसे? मेल्स में स्पर्म होता है, ठीक है. मेल क्या करते हैं? मेल और फीमेल के गैमेट सेल होते हैं. दैट मीन प्रजनन कोशिका. प्रजनन कोशिका मेल्स में होती है, स्पर्म जिसे बोलते हैं क्या? शुक्राणु. और फीमेल्स में क्या होती है? ओवा. दैट इज अंडाणु या डिंब. ठीक है, कि ये क्या है? फीमेल गैमेट सेल्स. कोई इश्यू यहां तक? जब ये दोनों मिलते हैं, और ये दोनों कैसे मिलेंगे? जब मेल और फीमेल के सेक्सुअल ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं तो मेल्स में निकलता है स्पर्म्स और फीमेल्स में ओवा. और ये दोनों मिलते हैं, मिलने के बाद इन दोनों में एक प्रोसेस होती है, दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. ठीक है, क्या होगा? स्पर्म और ओवा, अंडाणु और डिंब मिलेंगे, और इनके मिलने से क्या होगा? एक फर्टिलाइजेशन होगा, जिसे बोलते हैं निषेचन. निषेचन की प्रक्रिया होती है, और तब बनता है क्या? एक जाइगोट, यानी युग्मनज. युग्मनज बनेगा, और ये डाइगोट जो होता है, दैट इज अ सिंगल सेल. ये क्या होती है? एक सिंगल सेल होता है. ठीक, फ्यूचर में फर्दर क्या होगा? इसी सेल का, इसी जाइगोट का डिवीजन स्टार्ट होता है, दैट इज नोन एज सेल डिवीजन. डिवीजन स्टार्ट होगा, एक सेल से दो सेल बनेंगी, दो से चार बनेंगी, और ऐसे सेल्स इकट्ठा हो जाती हैं. एंड ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू. ठीक है, टिश्यू बनेगा यानी ऊतक. तो हम लोग सेल्स पढ़ेंगे, सेल्स के बाद टिश्यू पढ़ेंगे. टिश्यू के बाद क्या होगा? हमारे डिफरेंट, जब टिश्यूज ढेर सारे कलेक्ट हो जाएंगे तो क्या बनाएंगे? ऑर्गन्स. ये बनाते हैं ऑर्गन्स, यानी अंग. अब जब ये अंग आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनाएंगे? अंग तंत्र, यानी ऑर्गन सिस्टम. एंड दिस एंटायर ऑर्गन सिस्टम इज नोन एज ह्यूमन बॉडी. क्या? शरीर. ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये पूरी साइकिल पढ़नी है. नोट डाउन. तो हम लोग ये स्टार्ट करने से पहले हम लोग जरा सिलेबस पे डिस्कशन कर लेते हैं. सिलेबस में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? स्टार्ट. ठीक है, तो हम लोग सिलेबस की बात करते हैं. सिलेबस में देखो, हम लोगों को सबसे बायोलॉजी में अलग अलग सेक्शंस पढ़ने हैं.
सबसे पहले हमको पढ़ना है बॉटनी, नहीं सॉरी, सबसे पहले हम लोग जूलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी? एरिस्टोटल। अरस्तु ही जूलॉजी के जनक है। इन्होंने एक बुक कौन सी लिखी थी? हिस्टोरिया एनिमेलिया, ठीक है। दूसरा व्यक्ति कौन है? दूसरा सब्जेक्ट है बॉटनी। बॉटनी हमें पढ़नी है। और इनके फादर कौन है? फादर ऑफ बॉटनी थियो फ्रेस्टस, ठीक है। इन्होंने 500 पौधों पे डिस्कशन किया, इन्होंने 500 एनिमल पे डिस्कशन किया, 500 प्लांट्स पे। और इनकी बुक्स का नाम क्या है? हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है। नेक्स्ट वन इज माइक्रोबायोलॉजी। यानी सूक्ष्म विज्ञान। ठीक है, ये क्या है? पादप विज्ञान या पौधों के बारे में जिसमें हम पढ़ेंगे। ये जंतु विज्ञान है। सूक्ष्म विज्ञान में, सूक्ष्म विज्ञान के फादर कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इनको फादर क्यों कहा जाता है? ये भाई साहब ने पहली बार बैक्टीरिया की डिस्कवरी इन्होंने की थी। ही इज द वन हु ऑब्जर्व द बैक्टीरिया फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत यहां तक? फिर इसके बाद एक और पार्ट पढ़ते हैं हम लोग, क्या? जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी। अनुवांशिकी पढ़ेंगे। अनुवांशिकी के फादर कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल, यही है ना? ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने क्या किया था? ये पहले बार भाई साहब को चैन नहीं पड़ा, मटर के दाने पे जेनेटिक्स का रिसर्च कर डाला। भाई अनुवांशिकी क्या है? जो लक्षण आपको अपने माता पिता से मिले हो और आपसे आपके बच्चों में जाएंगे, सेम फीचर्स, जैसे क्या स्किन कलर, हेयर कलर, ठीक है, आंखों का कलर, ये क्या है? जेनेटिक्स है। बहुत सारी डिजीजेज भी होती है जो हमको अपने माता पिता से ही मिलती हैं, ठीक है। जैसे वो ब्लड वाला डिजीज कौन सा होता है? हीमोफीलिया, जेनेटिक डिजीज है, ठीक। ये सब देखना। अब देखो डीपली अगर सिलेबस की बात करें तो हम लोग जूलॉजी में, जूलॉजी हमारा लगभग 70% के ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा सब सिलेबस यही पूछा जाता है। जूलॉजी आपका कोई भी एग्जाम हो सब बहुत पूछते हैं इसको। और इसमें सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान, कोशिका के बारे में पढ़ना हमें। क्लासिफिकेशन है, सिलेबस अगर हम देख रहे हैं तो उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग बॉडी में हमारे अलग अलग टिश्यूज की बात करेंगे, टिश्यू पढ़ेंगे। फिर पढ़ना क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज परिसंचरण तंत्र, ओके। देन सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद और हम क्या, कौन कौन से सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी में? स्केल्टन सिस्टम यानी मस्कुलर सिस्टम, पेशी तंत्र, नर्वस सिस्टम,
तंत्रिका तंत्र, डाइजेशन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र और एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, देन एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सोक्राइन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, और कुछ बचा अभी? एक्सक्रीटरी सिस्टम में आएगा वो तो ना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन तंत्र, प्रजनन तंत्र, सर्कुलेटरी हो गया, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, इसके अलावा और हम लोग क्या पढ़ सकते हैं इसमें? और पढ़ेंगे हम लोग न्यूट्रिशन, एनिमल किंगडम, इतना सब हम लोग किसमें पढ़ना है? जूलॉजी में। और डिजीज भी पढ़ सकते हैं इसमें, डिजीजेस हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग बात करें माइक्रोबायोलॉजी की। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी में हमें किसके किसके बारे में पढ़ना होता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, ये सब हमें किसमें पढ़ना है? माइक्रोबायोलॉजी में। एल्गी, एल्गी हम प्लांट से ही पढ़ लेते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में क्या पढ़ना हम लोगों को? वायरस, विषाणु बहुत फेमस रहा अभी पिछले अपने 2-3 सालों में, तो बिल्कुल गदर काट दिया वायरस ने, है ना। वायरस क्या होते हैं? वायरस में सेल होता है? वायरस में सेल नहीं होता है, ये बस ऐसे ही खुले घूम रहे होते हैं। अब इनको एक कंडीशन चाहिए होती है कि जब ये कंडीशन, इनकी नीड्स पूरी हो जाएंगी तभी ये जिंदा होते हैं। दैट मीन्स इनको एक होस्ट सेल की जरूरत होती है। जब इनको कोई होस्ट सेल मिल जाता है तभी अपना काम शुरू कर देते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, फिर उसके साथ तबाही मचाते हैं जो पिछले 2 सालों में हम लोगों ने देखा। फिर उसके बाद बैक्टीरिया यानी जीवाणु, फंगाई यानी कवक, ये सब हम किसमें पढ़ेंगे? माइक्रो बायोलॉजी में। ठीक है, इसके बाद बात करें हम लोग किसकी? बॉटनी में। बॉटनी में हम लोग क्या क्या पढ़ना है? प्लांट क्लासिफिकेशन, पादप वर्गीकरण और प्लांट हार्मोन्स में पढ़ेंगे हम लोग। प्लांट डिजीज पढ़ेंगे,
रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ेंगे, ठीक है, प्लांट न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, पोषण पौधों में कैसे होता है, ठीक है, फिर इसके बाद मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, बाहर का आवरण, जब हम लोग एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ प्लांट जब हम लोग पढ़ेंगे उसको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, और प्लांट डिजीज पढ़ लेंगे। लिख चुके हैं प्लांट डिजीज, ठीक है, तो हमें इतना सब पढ़ना है, ये हमारा इंट्रोडक्शन है आज की क्लास में। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान, वहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और बेसिक से हम लोग पूरा इसको धीरे से खत्म कर लेंगे।